पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल के थाना बनिया ठेर के क्षेत्र के ग्राम आटा में महिला की संगीन परिस्थितियों में आग लगने से मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद संबल के बनिया ठेर थाना क्षेत्र के ग्राम आटा में संगीन परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला शनिवार को करीब सुबह 10:30 बजे का है, जब गांव आटा में सुमन पत्नी किशनपाल की चीखों की आवाज आ रही। तब गांव में आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए और किशनपाल के मकान पर पहुंचे तो वहां सुमन आग लगने से जलकर मर चुकी थी। तभी किसी ने मृतिका के परिवार वालों को सूचना दे दी और वे पास के काजी बैठा गाँव से तुरंत गाँव आटा आ गए और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ चंदोसी पूना मिश्रा मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली, लेकिन मृतिका के पति सहित सभी लोग घर छोड़कर भाग गए। उधर जब मृतिका के भाई दीपक और पिता श्याम लाल से बात की गई तो उन्होंने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर और हमसे बार बार गाड़ी मांग रहे थे लेकिन हम नहीं दे पा रहे थे तो इन लोगों ने हमारी बेटी को जलाकर मार दिया। मौके पर पहुंचे बनियाठे थाना प्रभारी संजय सिंह व क्षेत्र अधिकारी पूनम मिश्रा ने घटना की पूरी जानकारी ली। उसके बाद पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया। भी नाम है ये हुआ था, हम तो सुबह मंडी चले गए थे तो हम घर वहाँ से मंडी से घर गए, हमारे भाई गए भागते हुए कि जरूर लला उठा लो, लला उठा लो, किसी लला उठा लो। भागते हुए आए, भाई की तबीयत सही नहीं, भाई गए नहीं, एक भाई रिश्तेदारी में गए थे, एक भैया पहले चले गए मंडी, हम गए तो हमने कि चलो सब्जी उब्जी ले आए बेचने के लिए, सब्जी कुछ ले ही रही तो भैया गए भागते हुए कि लला उठा लिया, किसी लला उठा लिया तो हम भी भागते चले गए। अशोक नगर में भी पता न चले सब कुछ है, साहब शक ये है कि हमारे उनसे थोड़ी लाचा की हो चुकी थी। हम ठेली चलाते हैं सर, सब्जी बेचते मंडी से लाएँ, सब्जी लगाना घर, सब्जी आग से जलाई गई है। किसने जलाया? सब ससुराल वालों ने। क्यों जला दिया, क्या कारण था? अब साहब इस बात का तो हम सामने नहीं थे। आपस में झगड़ा रहता था, क्या बात? झगड़ा तो साहब काफी दिन से था, मुकदमा भी डाला था मैंने। किस बात का मुकदमा डाला था? मुकदमा को हो गए करीब करीब 6 महीने करीब। तो बेटी आपने रोक ली थी उस समय, यही थी? रोगी ने फैसला करके मतलब मंगा ली थी। अच्छा, फिर आपने भेज दिया? हाँ। क्या फैसले में क्या हुआ? फैसले में ये गई कि हम नहीं मारे तोड़ेंगे, फिर भी मार तोड़ना बंद नहीं हुआ। फिर हम गांव से 2-4 पंचायत भी लेके आए, दोनों प्रधान मौजूद थे, प्रधान के सामने बातचीत हुई, उन्हें रुखवा ली थी। अब तो आज जला के मारा है, उसका कारण पता है आपको क्यों मारा है? हम तो साहब घर पे थे, हमें पीछे की नहीं पता। वैसे हम 2 दिन से फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा, फोन नहीं कर रहा।